लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नागर, या जैसे तुम्हें समझाया वैसे कर। प्रेसिडेंट और उनकी बेटी को तो मैं कोर्ट तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आया, मेरा इंतजार मत करना। न्यू दिल्ली में मिस्टर गुजराल को फोन कर दे। दैट्स राइट। एंड भटनागर, या अलीशा को इंडिया तक पहुंचा देना। डोंट वरी कैप्टन, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, गुड लक अलीशा। सी यू सर। आदित्य, शायद ही मौका ये बात कहने का नहीं है, ये तुम्हारा मिशन है, ड्यूटी तुम देश के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए वापस जरूर आना। Captain Aditya, Indian Army. Where's the President? Marhaba, Rafiq Marbaros, 50 million dollar mubarak hoy. Aur tumhe bhi India ka President. Aur Kashmir. Yuzan! Kya hua hoy? Dhoka! Qaid Azam ko koi utha ke le gaye. Oi, thehro hoy. Rakam ka peti niche rakho. नीचे रखो। इजान, प्रेसिडेंट हमने तुम्हारे हवाले कर दिया था। उससे कोई ले गया तो उससे हमें क्या लेना देना? माबरोस, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही है। प्रेसिडेंट के साथ साथ 50 मिलियन डॉलर भी खाना चाहते हैं लोग। चीट करने का प्लान इन लोगों का। लेकिन मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये डॉलर हमारे हैं, हमारे हक के हैं। चलो ओए, मतलब ओए, ये रकम तुम्हें तब मिलेगा जब तुम प्रेसिडेंट को हमारे हवाले करेगा। प्लीज प्लीज लेट्स गो। तुम लोगों के होते हुए कैप्टन के मिशन में अड़चन आ सकती है। बट नागर, तुम डैडी को छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन आप लोगों का कहना भी सही है। डोंट वरी मैम, मैं वादा करता हूं मैं प्रेसिडेंट को लेकर ही लौटूंगा। थैंक यू कैप्टन, थैंक्स। और अलीशा, हाँ? तुम ज्यूरिख से इंडिया लौटोगी और आप अमेरिका। ये रहे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आदित, बॉम्बे जाके मैं क्या करूंगी? शायद यहाँ तुम्हारे साथ। समझो अलीशा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ओके, टेक केयर। हाँ समय पर दो पंक्तियां। हाँ, सुनाइए पंडित जी। समय से न लो पंगा। समय कर देगा सबको नंगा। पंडित जी, पंडित जी, क्या हो रहा है यहाँ? कवि सम्मेलन, एम्बेसी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। इस एम्बेसी ने आज तक भारतीय सरकार को जरा सी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। दो बार इस कार्यालय को सर्वश्रेष्ठ दूतावास का पुरस्कार भी मिला था। गर्व था मैं अपनी इस एम्बेसी पर, परंतु उस मान, उस सम्मान, उस गर्व पर आप में से किसी एक ने कलंक पोत दी है, बदनाम कर दिया इस कार्यालय को। That's right. और इसका सबूत कैप्टन आर्य के पास है, जो इंडियन आर्मी के स्पेशल एजेंट है। नई दिल्ली ने इन्हें एक महत्वपूर्ण जांच अभियान पर भेजा है। जेंटलमैन, मैं अभी अभी ब्रिजागो आइलैंड पर राष्ट्रपति जी को मिलने गया था और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे हमारी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
उन्हें पूरा विश्वास है कि इस एम्बेसी में कोई ऐसा शख्स है जो विदेशी आतंकवादियों से मिला हुआ है और जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई है। वो शख्स तुम चारों में से एक है। तुम मैं या तुम इससे पहले कि मैं उसका चेहरा सबके सामने ले आऊं, राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए ताकि वो अपनी गलती का सुधार कर ले, नहीं तो कल सुबह मैं उसका नाम बता दूंगा। That's all, gentlemen. Have a nice day. I am Ambassador, sir. अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को भूल जाइए, हमारे देश के हित में ही हम सबका हित है। अब सारा शक मेरे ऊपर जाएगा, लेकिन इस एम्बेसी में कोई एक गद्दार तो है। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है? हाँ सर, आग लग चुकी है। युजान से कहो एक दूसरे पर शक करना बेकार है। किडनैपिंग की बात इंडिया पहुंच चुकी है। आर्या इंडियन आर्मी का स्पेशल एजेंट है। क्या बात कर रही हो? सलाम अंसारी। युजान एक बुरी खबर है। खैरियत होए? ब्रायन के विनयार्ड पे तुम्हारी जिसके साथ सरगर्मी हुई थी वो इंडियन आर्मी का कैप्टन है। ओए बिरादर, फिर तो उसका सर कलम लाजिम। कल किसी भी हालत में मुझे तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग टेप अल जजीरा पे टेलीकास्ट करना होगा। युजान, तुम्हें वक्त को बांधना होगा। मेरा पलटन तैयार, बेफिक्र बिरादर। हाँ हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट है कहाँ? तौबा! लगता है हमने आपको चकित कर दिया मिस बरार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी फाइल। थैंक यू। तो आ रहा, क्यों बुलाया मुझे? सैम, कई गैरकानूनी एक्टिविटीज हैं तुम्हारी, काले सफेद बिजनेसेस भी हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारा अपना निजी मामला है। ग्रेसियस, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन अब इंडिया के दुश्मनों से मिलकर आईएसआई की मदद करके तुमने मेरे निजी मामले में अपनी गर्दन डाल दी। कहानी बड़ी सनसनीखेज है तुम्हारी, अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ये टहलाना छोड़ो। तो सुनो, I'm Captain Aditya Arya, Indian Army Special Group Force. तो देश के लिए जान देना सीखा है तुमने? नहीं सर, जो भी सर देश के खिलाफ उठता है उस पर गोली मारने की ट्रेनिंग ली है मैंने। मेरा निशाना कभी नहीं चुकता, अपना सर बचा कर रखना। सर तो बहुत से उठ रहे हैं इंडिया के खिलाफ, गिनती भी नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा अपनी गोलियां बचा के रखो असली दुश्मनों के लिए। गुड लक। सैम, तो तुमने अमानत में खयानत की है। भाई कीमत तो 50 मिलियन थी और मुझे सिर्फ 1% मिला, ये तो गलत बुनियादी बात है। क्या कीमत चाहिए तुम्हें? वही
50 मिलियन मिल जाएंगे। कब और कहां? कल सुबह वाले वर्साचे। क्या हुआ बिरादर? ओ कुछ तो बोलो। है प्रेसिडेंट सैम के पास है। तो अब हमारा आजादी में दो रुकावटें हैं, कैप्टन आर्या और सैम। लेट्स गो। छोटे तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और तू बैठ के फेर पी रहा है। रिलैक्स भाई, सब तैयारियां हो गई हैं, प्लेन भी रेडी है, टेक इट इजी। डोंट मूव। मेरे नाम पे ड्रग्स की स्मगलिंग की, मेरी दोस्त शिल्पा का मर्डर किया, क्या सोचा था तुम लोगों ने? बचाओगे? जबराल, सैम कहाँ है? डैडी कहाँ है? बताओ, सैम कहाँ है? पता पता नहीं अब कहाँ होगा, पर शाम को वनीला जा रहा है। स्टार्ट करो। मिस ब्रार, तुमने इतनी बड़ी गद्दारी की कैसे? क्यों करी तुमने? सारी से पुलिस के हवाले कीजिए बस। पुलिस? यू इसे पुलिस के हवाले तो मैं जरूर करूंगा। बताओ राष्ट्रपति जी कहां है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम जानते हो राष्ट्रपति जी कहां है? सर सर, मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने राष्ट्रपति जी की खबर सैम हंस तक पहुंचाई, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। सुरक्षा अध्यक्ष होकर तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात बाहर कैसे जाने दी? परमार, मती मारी गई थी मेरी सर, पैसे का लोभी हो गया था मैं, बस यही दोष है मेरा। लेकिन मैं दोषी जरूर हूं, देशद्रोही नहीं, और इस षड्यंत्र में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं है सर। हाँ, अपने अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे तुम्हारा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नामुमकिन है। तुमने देश के साथ बेईमानी की। देश के साथ बेईमानी तो इसने की है सर, मेरी गलती तो बहुत छोटी सी है। और सर, अगर आप चाहें तो मेरी इस गलती को यहीं दबा सकते हैं। मुझे बचा लीजिए सर, दया कीजिए मुझ पर। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं।
कैप्टन, तुम्हें क्या लगता है परमार से बकवाल हो गए? और कोई रास्ता नहीं है बंधु, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दरवाजा तो खुला है। ओहो। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? He's dead. अरे बंधु, पॉइजन खा के मरा है। ये निकला झूठ बोलने का नतीजा। आखिरी कड़ी थी वो भी गई। मैं रंजीत परमार अपने पूरे होशो हवास में स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने देश के प्रति गद्दारी की, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला और अनजाने में राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ गुप्त सूचनाएं सैम हंस को भेजी। मैं इन सब चीजों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं रंजीत परमार। होल्ड इट, ड्रॉप योर गन्स। ओके सैम। मिया दोल्चे, इतनी खूबसूरत लड़की के हाथों मारा जाऊंगा। Come on, shoot me. Come on, I'll help you. Thank God, तुम आ गए अलीशा। क्या हुआ, क्या इतनी देर क्यों लग गई? और अब इसका क्या करें? आओ। Ladies and gentlemen, the president. अंसारियाम को भेजा हुई सैम बिरादर, युजान सुरमा पार्टी के नए सुरमा। डॉलर्स लायो वहीद। डॉलर्स की फिक्र मत करो, कायदे आजम को हमारे हवाले करो और अपना रकम गिनो। हुई कायदे आजम, तुम्हारे दीदार को हम तरस गए। ओए चलो। आओ आओ कायदे आजम, इधर हम रिहाइश करता है पत्थरों में, फकत अपने मकसद के लिए। तशरीफ तशरीफ। ओए कायदे आजम, ये तुम्हारा नया तख्त है। आज तारीखी दिन है, इस तख्त पर बैठकर तुम हमारी आजादी की बुनियाद रखेगा। गुड मॉर्निंग जनरल। एक बुरी खबर है, कल रात परमार ने आत्महत्या कर ली। यस सर, लाश के पास से उसका कन्फेशन लेटर भी बरामद हुआ है। तो परमार देशद्रोही निकला। कितना भरोसा करते थे उस पर। हे राम, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और सर, परमार के एक बाले जुर्म से साफ पता चलता है कि उसने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला था। बहुत ही स्वार्थी निकला परमार। ऐसा तो सोचा भी नहीं था हमने, क्यों पंडित जी? हाँ। लेकिन जेंटलमैन, खत से ये भी पता चलता है कि उसे फंसाया गया था और इस राजनीतिक स्कैंडल के पीछे कोई और है। यानी अब आप परमार की बजाय किसी और को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या नहीं सर, उसकी हत्या की गई है।
परमार मित्र सुन लो कवि की वाणी, नरसंहार की मिट के रहेगी कहानी। अरे कहानी छोड़िए पंडित जी, सोचने की बात यह है परमार का खून हुआ क्यों? वो भी अभी पता चल जाएगा। खूनी हमारे बीच में कौन है वो कल्प्रिट? पंडित जी, जी परमार का आखिरी खत पढ़िए जरा। अरे ये तो परमार की लिखावट है। उसमें लिखा क्या है ये बताइए। हाँ जी जी, इसमें उसने अपने आप को देशद्रोही कहा है और आतंकवादियों से जुड़ा हुआ बताया। मिस्टर सैम के रचे हुए षड्यंत्र का एक मोहरा है। सुन लिया, अब इसके आगे बहस करने की आवश्यकता क्या है? पंडित जी, जब कोई वस्तु नेत्र के बहुत पास होती है तो दृष्टि से ओझल हो जाती है। तात्पर्य मित्र? हाँ, लिखावट जरूर परमार की है, लेकिन जिस लेटर हेड पर लिखा है वो किसका है? ये तो राजदूत सरीन जी के लेटर हेड पे लिखा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? होल्ड इट एंबेसडर। बड़े से बड़ा अपराधी भी अक्सर ऐसी बारीक गलती कर देता है जो उसे फंसा देती है। इट्स ओवर एंबेसडर। कम ऑन ऑफिसर्स, गेट देम। अरेस्ट दिस मैन, ही इज एन आर्म्ड टेररिस्ट। डोंट मूव ऑफिसर, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। ड्रॉप योर गन। शिट, हैंडकफ देम। अरे आप लोग गलत आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, दे आर ऑल टुगेदर। इंस्पेक्टर्स, अरेस्ट ऑल ऑफ देम। अरे नाराजगी थी तो छत से गिरा देती तान्या जी, नजरों से गिराने की क्या जरूरत थी? शट अप यू फूल। आई एम गोइंग टू द कम्युनिकेशंस रूम टू स्पीक टू माय प्राइम मिनिस्टर। होल्ड देम हियर अंटिल आई कम बैक। फॉलो मी मिस ब्रांड। पटाकर, 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 शो देम योर आइडेंटिटी। लिसन टू मी ऑफिसर, आई एम अ रॉ एजेंट एंड ही इज एन आर्मी ऑफिसर। सी दिस।